जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। आप लोगों ने सुबह एक वीडियो जरूर देखा होगा हमारा, जिसमें कि मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारा अपडेट दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, यानी कि दरोगा की बहाली है। ये शराबबंदी विभाग की तरफ से वैकेंसी अपडेट की गई है, जो कि मद निषेध उत्पाद निबंधन विभाग इसको कंडक्ट करेगी। उसके अलावा 11 पदों की वैकेंसी है दोस्तों डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का, यानी कि फायर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकाली गई है मात्र 11 पदों की। तो ये 53 पदों की वैकेंसी है और ये 11 पदों की वैकेंसी है। बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मैं नोटिफिकेशन आपको सुबह दे चुका हूँ, इसके बारे में सारा डिटेल दे चुका हूँ। उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखिएगा जाकर उसको। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे वीडियो बना देने से ऐसा नहीं है कि सरकार जो है इसको सुन लेगा। हम लोगों को जो भी अपनी मांग रखनी है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, लाखों नौकरियों का झांसा दे रही है ना आपको हर एक विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, हर एक विभाग में लाखों हजारों नौकरियों का झांसा दे रही है कि हम इतनी इतनी वैकेंसी निकालेंगे। और जब वैकेंसी आ रही है तो उस वैकेंसी के नाम पे मात्र 64 पदों की वैकेंसी निकाली जा रही है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि ये जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी लगभग 300 से ऊपर पदों की वैकेंसी आने वाली थी, एक्साइज डिपार्टमेंट की वैकेंसी दरोगा की बहाली। लेकिन आपको अब अगर मैं बात करूँ इस बहाली की प्रक्रिया में, तो यहाँ पर 300 के बदले मात्र 64 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। चलिए, आप वैकेंसी 10 निकालिए, 50 निकालिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाया था, इस वैकेंसी के लिए जो अपडेट दिए गए थे, जहाँ आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे 4 मई से इसका फॉर्म भरा जाएगा, और उस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या जो भी ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, उनको यहाँ पर जो फीस चार्ज लिया जा रहा है वो 700 रुपये चार्ज किया जा रहा है। मैं आपको वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का अपडेट दिखा दूँ यहाँ से। ये देखिए, आप जब यहाँ पर पैरा नंबर 14 पे आएंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं या फिर अनारक्षित वर्ग से हैं, जो पुरुष छात्र हैं उनको यहाँ पर जो है फीस चार्ज 700 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। अब 50 पद की वैकेंसी निकाल रहे हैं, 10 पद की वैकेंसी निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे छात्र जो है इसका फॉर्म भर के 700 रुपये आपको चार्ज दे। वहीं पे जो भी छात्र कैटेगरी में हैं उनसे भी यहाँ पे 400 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हमारी मांग है यहाँ पर कि आप इसमें फ़ीस की कटौती करें, मतलब जहाँ पे आप 50 पद या 10 पद निकाल रहे हैं उन पदों के लिए मात्र 100 रुपये फ़ीस चार्ज रखें। हमारी मांगे और भी हैं, मैं उन सभी के ऊपर चलूँगा। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, सभी कोई वीडियो बना रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर, लेकिन इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा है। और ये वीडियो मैं आपको बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आयोग को पहुँचानी ज़रूरी है। आप लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं यहाँ पे और वैकेंसी मात्र 64 पदों की निकाली जा रही है। पहली चीज़, अगर ये कम वैकेंसी है तो फीस भी कम रखा जाए इसका एग्ज़ाम, ताकि सभी छात्र फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सके। एसएससी में भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी भी एग्ज़ाम लेती है, वो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, लेकिन वहाँ पे फीस तो 100 रुपये लिया जाता। जब राज्य स्तर पे ये परीक्षाएं हो रही हैं तो हम 700 रुपये फीस चार्ज क्यों दें? 700 ही नहीं, प्लस आपका जीएसटी भी लगेगा, उसमें भी फीस चार्ज कटौती होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मांग रखनी पड़ेगी हम लोगों को अपनी तरफ से, जी हाँ। और आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना होगा, तभी जाके ये सरकार तक, आयोग तक ये बातें पहुँचेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, जो भी हम लोग इस एग्ज़ाम को लेकर मांग रखे हैं वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि अगर हम बिहार में दरोगा या सिपाही बहाली की बात करते हैं या बिहार एसएससी लेवल की बात करते हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता लाने की बात की गई है, तो पहली चीज़, जो भी एग्ज़ाम ओएमआर बेस आप लोग ले रहे हैं, चूँकि ये एग्ज़ाम सारे जो हैं लाखों नौकरियों की बात हो रही है, यहाँ पे एक दो नौकरी नहीं है, और उसका झांसा देकर यहाँ पे मात्र 50-60 वैकेंसी निकाल के आपके सामने अपडेट कर दी जाती है। तो पहला अब मांग यहाँ पे ये है कि ओएमआर की कार्बन कॉपी दी जाए, जब भी एग्ज़ाम हो ओएमआर की कार्बन कॉपी दी जाए, और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा को भी या परीक्षार्थियों को भी दिया जाए। ये पहली दो हमारी मांगें यहाँ पे। दूसरा चीज़, एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाए, बीपीएसएससी हो या बीपीएससी हो, जैसे बीपीएससी यहाँ पे जारी कर रही है एग्ज़ाम का रिजल्ट, आंसर की जारी करती है, उसका रिजल्ट जारी करती है, पारदर्शिता वहाँ बनाई जा रही है, उसी तरह हमें इन सभी आयोग के लिए भी यहाँ पे मांग करनी होगी। तो ये दूसरी मांग है हमारी।
तीसरी मांग है रिजल्ट प्रकाशन के समय यहाँ पे कट ऑफ भी जारी किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो लिख दिया जाता है कि आप लोगों को 30% लेकर आएंगे यहाँ पे तो आपको क्वालिफाई समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं जिसमें कि उनका जो सिलेक्शन होता है वो कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होता है और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स यहाँ पे जारी किया जाए। तो ये तीसरी मांग है हम लोगों की, ये सभी छात्र संगठन की तरफ से भी अपडेट किया जा रहा है, आप लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपने इस मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप लोग इस चीज़ को शेयर करें। और आप लोग ही अगर संगठित नहीं रहेंगे तो शायद सरकार और आयोग आपके ऊपर जी हाँ अपना बल दिखाकर ये 10 वैकेंसी 50 वैकेंसी या फिर जहाँ पे 2500 वैकेंसी निकालनी थी वहाँ पे मात्र 1288 पदों की वैकेंसी की बात हो रही है दरोगा में, देख ही रहे। तो ये सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ और आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार को बताएंगे, चीज़ों को लेकर सामने जाएंगे, हमारे मंत्री जी है, तेजस्वी जी है, नीतीश कुमार जी है, उनके सामने लेकर चीज़ें जाएंगे हम लोग, तो शायद वो लोग हमारी बातें सुने। लेकिन आयोग यहाँ पे मनमानी कर रहा है। देखिए 64 पदों की वैकेंसी निकाल के 700 रुपये का फीस चार्ज रखा गया है, कितनी यहाँ पे शर्मनाक बात है यहाँ पे बिहार में। और यही चीज़ें एग्ज़ाम सरकार केंद्र सरकार ले रही है, जब SSC का एग्ज़ाम लिया जाता है तो वहाँ पे 100 रुपये मात्र फीस चार्ज रखा जाता है, जबकि वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आखिर इतना महंगा एग्ज़ाम क्यों, ये सवाल उठता है यहाँ पे। अच्छा, चौथी मांग हमारी ये भी है कि यहाँ पर कि फिजिकल टेस्ट का यहाँ पे और मार्क्स टेस्ट के लेने के बाद उसी समय लिखित रूप से परीक्षार्थियों को ये अपडेट दिया जाए, ये सबसे बड़ी अपडेट। क्योंकि देखिए फिजिकल में किसी का मेरिट एक दो नंबर से या पॉइंट कुछ नंबर से घट जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है लिखित तौर पे यहाँ पे देनी चाहिए आयोग को इन सब के चीज़ों को लेकर, ताकि फिजिकल में भी कोई गड़बड़ी ना की जा सके। PT का सेंटर गृह जिला में नहीं दिया जाए और ना ही बहुत दूर दिया जाए, ठीक है। हम लोग गृह जिला का मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमें जो है होम सेंटर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम रोहतास जिले में रहते हैं और हमारा सेंटर उठा के पूर्णिया जिला में दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो कि हम पूर्णिया जिले में रहते हैं हमारा सेंटर उठा के रोहतास जिले में दे दिया जाए। तो आने जाने का जो भी खर्च होता है, एक तो आप लोग 700 रुपये फीस चार्ज कर ही रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे आप जो है देखा जाए तो हमें दूर जाकर एग्ज़ाम देने पे मजबूर करते हैं और वहाँ पे हमें खर्च व्यय अपना भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हों और जिला के आसपास के सेंटर्स पे आप सेंटर दें, ये हमारी पांचवी मांग है। छठी मांग ये है कि BPSSC जो कि बिहार दरोगा का परीक्षा फॉर्म निकाली है, ऑफिस यहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट से हटाकर इसका तो एक सरकारी भवन बनाया जाए, ये एक मांग है ना। चूँकि देखिए ये कभी भी अपना प्राइवेट जो ऑफिस है वो चेंज कर सकते हैं, तो आप सरकारी भवन दीजिए उनको, ताकि अगर हम लोग अपनी मांग या जांच के लिए पूछने ताशने जाएं तो प्राइवेट जगह पर जाके ना जाकर हम लोग सरकारी जगहों पर जाके अपनी मांग वहाँ पर देख सकें और सारी चीज़ें वहाँ पर जांच करवा सकें। सातवीं मांग, PT मेंस और फिजिकल टेस्ट का रोल नंबर एक ही होना चाहिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। दरोगा बहाली में अभी PT मेंस का रोल नंबर अलग अलग रहता है, तो ये क्यों आखिर होता है, इस पर भी विचार करना चाहिए आयोग को। यहाँ पर आठवीं मांग है, सेंटर मैनेज पेपर लीक ब्लूटूथ से नकल ना होनी चाहिए, इसके लिए विशेष प्रयास किया जाए, क्वेश्चन पर QR कोड अंकित हो और परीक्षा हॉल में पेन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि BSSC ने एग्ज़ाम के दौरान अभी करवाया था, उसी तरह BPSSC भी यहां पे करवाया जाए। परीक्षार्थियों को बाहर से पेन ले जाने की अनुमति ना दी जाए, चूँकि एक मामला अभी सामने आया था आप लोगों का जो कि पेन से यहां पे नकल भी हो रहा था, ठीक है। OMR में कॉलम बनाया जाए जिसमें कि लिखना और गोला रंगना अनिवार्य हो कि कितने क्वेश्चन का उत्तर परीक्षार्थी ने गोला रंगा है, ये भी एक मांग है यहाँ पे आयोग से हम लोगों का। पेपर लीक धांधली सेटिंग रोकने के लिए BPSC द्वारा किए जा रहे उपायों को लागू किया जाए, जो भी BPSC अपने नियम कानून लागू कर रही है वो BPSSC और CSBC को भी यहाँ पे लेकर आना होगा, ताकि बिहार में दरोगा और सिपाही की बहाली सबसे ज़्यादा रूप में आती है, तो इसमें भी ये पारदर्शिता लाने के लिए BPSC का नियम लागू यहाँ पे किया जाए, उनके एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर, उनके सेंटर मैनेज को लेकर, या फिर ब्लूटूथ ना ले जाने को लेकर, या PT मेंस का रोल नंबर एक होने को लेकर, या फिर यहाँ पे पेपर लीक या धांधली सेटिंग रोकने को लेकर। तो ये हमारी दसवीं मांग है यहाँ पे। आखिरी मांग यही है कि फॉर्म भरने का जो शुल्क है 200 से 250 तक रखिए, चूँकि आप राज्य स्तर पर एग्ज़ाम ले रहे हैं, राज्य स्तरीय अगर सरकार को देखें तो हो सकता है कि इनके पास पैसे ना हो, लेकिन 700 रुपये या 800 रुपये कहीं भी आप जहां चार्ज कर रहे हैं एग्ज़ाम लेने को लेकर, तो वो गलत है। यहां पे 200 से लेकर 250 रुपये तक यहां पे आप
फीस रख सकते हैं, ये हम लोग की एक मांग है। तो ये मांग अपनी तरफ से हमने नहीं रखा है, ये मांग जो है हम लोग पूरे छात्र संगठन की तरफ से मांग रख रहे हैं। और ये बहाली की जो प्रक्रिया आप लोग निकाल रहे हैं 64 पदों की, 10 पदों की, 11 पदों की, 53 पदों की, ये ना निकाल कर हमें जो बहाली का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है एक बार में दिया जाए। यानी कि जितना भी BPSSC के माध्यम से एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा स्तर पे, वो लिया जाए। हर एक विभाग में मानते हैं कि अलग अलग यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो कम होती है, वहाँ पे उतना ही रिक्रूटमेंट होता है, उतना ही लोगों को कॉल किया जा रहा है। लेकिन आप एक बार एग्ज़ाम ले लीजिए, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए और उसके आधार पर जो है जिस विभाग में उसका नंबर आ रहा है उस विभाग को आप लोग वहाँ पर उसको यहाँ पर एडमिट कीजिए, यानी कि उनको यहाँ पर उनको ज्वाइनिंग करवाइए। तो एक छोटी सी मांग है सरकार से, आयोग से। अब आप छात्र यहाँ पे अगर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी और हम लोग आपकी आवाज़ को उठा पाएंगे। नहीं तो जहाँ पे 200-250 फीस लगना है, 100 रुपये फीस लगना है, वहाँ पे आपसे 700-800 फीस लिए जाएंगे और आने वाले समय में ऐसी वैकेंसीज को तोड़ तोड़ के दिया जाएगा। CSBC भी बहुत सारे विभाग बना चुकी है, यहाँ पर BPSSC भी अब 4 विभाग तो देख ही रहे हैं, एक बिहार पुलिस का, प्रोविजन डिपार्टमेंट का, बिहार फायर का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। अब ये तोड़ तोड़ के वैकेंसी लेंगे और वहाँ पे आपसे 700-800 रुपये फीस चार्ज करेंगे, तो ये गलत है, इस चीज़ को रोकना है हम लोग। जय हिंद। बाकी अगर कोई चीज़ें ख़राब लगी हो, बुरी लगी हो, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आवाज़ उठाना है तो एक साथ संगठित होना पड़ेगा। जय हिंद।